नमस्कार, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी। तोरी, इसको हम तुरई भी बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं। इसकी सब्जी बनानी है और ये तोरी लिए। जब भी आप तोरी लाएं, ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और वैसी ना हो कि बिल्कुल अंदर से कि जैसे हम दवाएं अंदर खोलो हो। तो अच्छे से आप देख करके लाइए तोरी को। और जो ये तोरी है, इसको हम कहते हैं कि ये 100 बीमारियों का रामबाण है, उनको ठीक करती है। तो इसमें तोरी में फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। और ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। जैसे सबसे पहले तो अगर हम इसको खाएंगे तो इसमें फाइबर जो होता है, ये हमारे वेट को कंट्रोल करता है। और ये नहीं है कि जो पतले हैं वो नहीं खा सकते, वो भी खाएंगे, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और कई जैसे जिस कईयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है अगर वो खाएं। और ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, और ऑल ओवर हमारी पूरी बॉडी के लिए ये हमें फायदेमंद है। तो इस तोरी की सब्जी को हमें जरूर खाना चाहिए। और ये तोरी को हमने कैसे काटना है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसको छीलेंगे। अभी जब हम छीलेंगे तो इसके आगे पीछे के ये नहीं काटेंगे हम। और इसको छीलने से पहले आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी होती है। खूब अच्छे से वॉश कर लें फिर इसको छीलें, क्योंकि हम बिना धोए इसको वॉश करेंगे, इसको छीलेंगे तो इसमें मिट्टी आ जाती है, फिर ठीक से साफ नहीं होती है। तो इसको हम बिल्कुल, हमने पतला पतला छिलका निकालना है, ज़्यादा तोरी की सब्जी को हम जितना सिंपल बनाएंगे उतने ही हमें इसके फायदे होंगे। इसमें मसाले भी ज़्यादा नहीं लगते हैं, तेल भी इसमें कम लग। ये देखिए, इसको इस तरीके से हमें छीलना था। ये मैंने पूरी ये छील ली है, इसी तरीके से मैंने ये भी छीली है। और इसको एक बार जैसे छील लिया तो एक बार हम इसको वॉश भी कर लेंगे। पहले से हमने वॉश तो की हुई है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको दोबारा कर लेते हैं। और इसको करने के बाद इसको एक सूखे कपड़े में रख देंगे, क्योंकि तोरी में जो है पानी बहुत होता है। तो इसलिए इसको आप छीलने के बाद, जैसे आपने किया और जब काटें तो उसके बाद तो कभी भी ना धोएं, तोरी सारी आपकी ख़राब हो जाएगी। और ये भी मैंने पहले से ही छील के रखी हुई थी तोरी, तो अब इनको हम काट लेंगे। और ये देखिए, काटते समय हमें इसको ये आगे पीछे से हमने इसको अब इसको काटेंगे। ये पहले से ही मैंने धो के रखी थी छील के। और इसके बहुत बारीक बारीक टुकड़े ना करें, क्योंकि इसमें पानी होता है और ये सब्जी सारी एकदम से गल जाती है, तो पानी ही पानी रह जाएगा, सब्जी आपकी गायब हो जाएगी। और ये मैंने 1 किलो तोरी ली है जो मैं ये बनाने जा रही हूँ। इस तरह से हम ये पूरी तोरी को हम काट लेंगे। ये तोरी हमारी कट गई है, ये इस तरीके से हमने इसको तोरी को काटना था। और तोरी बनाने के लिए हमें क्या क्या मसाले चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। इसको बनाने की कोई हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल बनाते हैं। और अगर इसको आप जितना सिंपल बनाएं उतना अच्छा है, उतने ही हमें इसके फ़ायदे मिलेंगे। इसमें ये मैंने लिया है साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च और लहसुन की 2 कलियाँ और हींग, काली मिर्च पाउडर। अगर आप इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं तो फिर काली मिर्च को स्किप कर दीजिए, क्योंकि गरम मसाले में ऑलरेडी काली मिर्च पाउडर होता है। और इसके साथ ही इसमें हम हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। तो सब्जी बनाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपके हर कोशिश करूंगी, हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूं। मीनाक्षी जी ने मुझसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि मेरी अभी कुछ समय ही पहले शादी हुई है और अभी मैं खाना बनाने में इतना ट्रेंड नहीं हूं, तो उनको क्या होता है कि कहती मैं जब भी चपाती बनाती हूं तो अक्सर या तो वो तवे में चिपक जाती है या वो जल जाती है, और या फिर जब वो चपाती बनाने के बाद पैक करती हैं तो रोटी में चपाती में मॉइस्चर आ जाता है। तो मीनाक्षी जी, आप जब चपाती बनाती हैं तो आप सबसे पहले तो जो आटा फ्रिज से लेती होंगी वो ठंडा होता होगा, तो आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए आटे को बाहर निकाल के रख दीजिए, थोड़ा सा वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
और जब आप तवा आप यूज करें रोटी बनाने के लिए, तो उसको एक बार आप पानी से वॉश कर लें और उसमें फिर कुछ ड्रॉप्स उसकी घी की डाल दें और उसको फैला दें अच्छे से। फिर तवे को आप रखें गैस पर, और जब तवा गर्म हो जाएगा तब आप उसमें आप चपाती बनाएंगी। और ये ध्यान रखिए कि उसमें पानी ना हो तवे में, तवा सूख जाए, क्योंकि उसमें घी और वो पानी का वो आ जाएगा तो तवे में थोड़ा सा वो सही हो जाता है। उसमें जब पहली चपाती बनाएंगे तो आपकी कभी भी चिपकेगी नहीं, और एक क्या पहली जितनी भी आप चपाती बनाएंगे सब अच्छी बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी चपाती, क्योंकि घी डाल के क्या होता है उसमें जब आप रोटी बनाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं। और वो हो गया। और एक आपने पूछा था कि आपकी जब रोटी बनाने के बाद पैक करती हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो मीनाक्षी जी जब भी आप चपाती बनाएं तो एकदम से गरम गरम उसको फोल्ड ना करें। चपाती बनाने के बाद उसमें आप अगर घी यूज करती हैं देसी घी, तो उसमें गरम चपाती नहीं देसी घी लगा दें, और उसको एक रोटी के ऊपर चपाती के ऊपर दूसरी चपाती रख दें, और जब वो चपाती थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए ठंडी हो जाए फिर उसको आप एक अच्छे कॉटन के कपड़े में फोल्ड कर करके फिर उसको एयर टाइट उसमें टिफिन में रखिए, तो वो आपकी चपाती में कभी भी मॉइस्चर नहीं आएगा और पूरा दिन वो चपाती सॉफ्ट रहेगी। तो ये तो मैंने जो क्वेरी थी उसका मैंने आंसर दिया। तो वह हम शुरू करते हैं तोरी की सब्जी बनाना। तोरी की सब्जी को मैं सरसों के तेल में बनाने जा रही हूँ, और तेल इसमें मैंने बहुत थोड़ा डाला है, ये देखिए बहुत इसमें कम ऑयल यूज होता है। और इसमें अब हम ये तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें मैं ये लहसुन, जीरा और ये लाल मिर्च। इसमें जो होता है तोरी की सब्जी में जो मसाले हम जितना कम डालेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा मसाले डालेंगे तो इसका जो तोरी का जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है, कड़वापन आने लग जाता है, तो इसलिए मसाले इसमें कम डालते हैं। अगर आपने टेस्ट के लिए बनाने हैं तो आप इसमें प्याज टमाटर डाल के भी बना सकते हैं, तो अगर आपको जैसे उसमें अच्छा टेस्ट चाहिए, लेकिन ये मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ और ये भी बहुत टेस्टी बनती है। इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, ये देखिए हींग डालेंगे, बस लहसुन को हमने हल्का इसको ब्राउन करना है, ज़्यादा इसमें कलर नहीं देना इसको। और ऐसे ही जीरा भी है, इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए लहसुन हमारा ये अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी इसमें सब्जी में बहुत कम डलती है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, ये देखिए बिल्कुल कम डाली है मैंने। और जो लाल मिर्च पाउडर है बिल्कुल वो भी बहुत कम डाला है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट हमारा इसमें ख़त्म हो जाता है। और अब इसमें हम ये तोरी डालने जा रहे हैं, जो काली मिर्च है वो हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और नमक भी इसमें बहुत कम डलता है, ज़्यादा नमक ना डालें, क्योंकि ये सब्जी अभी जैसे ज़्यादा लग रही है जब बन जाएगी तो बिल्कुल कम हो जाएगी, तो इसमें नमक हम कम ही डालेंगे। और इसको सब्जी को हम हाई फ्लेम में बनाएंगे, इसको मैं मिक्स करके रखो से। अभी आपको लग रहा होगा इसमें अगर मसाले तो डाले नहीं टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इसको हाई फ्लेम में ही मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, और फिर इसको चेक कर लेते हैं हम। ये तोरी में अपना पानी छोड़ा है इसमें था, और इतने अच्छे से देख रहे हैं इसको हाई फ्लेम में, इसीलिए बनाया था क्योंकि जो ये पानी छोड़ती है अगर हम स्लो में बनाते हैं तो ये पूरी तोरी हमारी ठीक से बनती नहीं है, और इसमें हाई फ्लेम में अच्छे से गल भी जाएगी और जितना इसमें पानी छोड़ना है वो छोड़ देगी। इसको भी हम 5 मिनट तक और हाई फ्लेम में बनाएंगे। चेक करते हैं, देखिए सब्जी हमारी पानी भी इसका ऑलमोस्ट सूख गया है। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और ज़्यादा नहीं डालना कम डालना है। और जो ये फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया कि ये 1 किलो तोरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको टाइमिंग्स बताई है, अगर आप कम बना रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। और इसको मैं अब कवर नहीं करूंगी, अब इसको मैं
बस 2 से 3 मिनट के लिए ऐसी ही हाई फ्लेम में बिना कवर किए इसको बनाऊंगी। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल बन गई है, बहुत अच्छे से हो गया, ना इसमें अब पानी है और सब्जी भी हमारी अच्छे से गल गई है। तो आइए अब हम इसको पैकिंग करते हैं। हमारी तुरई की सब्जी बनकर तैयार है, बिल्कुल गरम गरम, और बहुत ही ये टेस्टी भी बनी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये खाने में टेस्टी तो है, हेल्दी भी बहुत है, और ये हमें कई बीमारियों से बचाती है। तो इस तोरी को आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और ये गर्मियों में तोरी होती है और इसकी जो तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में हमें लू से भी बचाती है और हमारे लिए ऑल ओवर बहुत अच्छी है। तो इसको आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर भी करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।